नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में दोस्तों ये ऑप्शन का पहला क्लास है कॉल और पुट में अगर आपका ये सब फैक्टर चेंज होगा तो कैसे आपका प्राइस चेंज होगा ये है मैंने कॉल बाइंग और सेलिंग पे नहीं बनाया है उसका अलग वीडियो है उसका अलग वीडियो ले आऊँगा पहले ये जान लो कि ये अंडरलाइंग आपका चेंज होगा तो कॉल और पुट के प्राइसेज में क्या चेंज होने वाले हैं और ये अंडरलाइंग क्या है तो चीज़ें बता दूंगा आपको इससे पहले जो है मैंने जो है यहाँ पे जोधा का अकाउंट ओपन कर लिया है ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है अगर नहीं है तो ओपन कर सकते हो आप यहाँ पे देख लो ये आपका निफ्टी फिफ्टी है ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है ये एस है इंडिया में दो कॉन्ट्रैक्ट मेनली ट्रेड होते हैं मेनली दो कॉन्ट्रैक्ट वाले दो टाइप के होते हैं एक इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शन दूसरा होता है स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिंपल समझो इंडेक्स वाला जो होता है जो भी आप कॉल पुट बाई करते हो इसमें आपका कोई सेटलमेंट नहीं होता फिजिकल वाला ये पूरा कैश सेटलमेंट होता है कि जो भी होगा कैश में होगा आपका जो है कोई डिलीवरी ले नहीं लेनी अगर आप एस का कॉल या पुट लोगे या फिर मान लो फ्यूचर्स लोगे तो यहां पर आपको एस के शेयर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि इंडेक्स में क्यों नहीं होता क्योंकि इंडेक्स में एसबीआई का परसेंटेज फ्रैक्शन में होता है तो फ्रैक्शन में आप शेयर सेल नहीं कर सकते कि जो भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो भी आप सेल करते हो कॉल पुट उसमें आपका कैश सेटलमेंट होता है वो मैं धीरे धीरे करके वीडियो लाऊंगा समझ में आता रहेगा वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये देख लो थर्टीन जनवरी का कॉल है ट्वेंटी जनवरी का कॉल है और ये आपका लास्ट थर्सडे का कॉल है सिंपल टर्म में मैं बता दू आपको आपको पता होगा हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है यहाँ पे आपका सिक्स का देखो सिक्स के बाद थर्टींथ का सिक्स का एक्सपायरी चला गया थर्टीन दिसंबर थर्टीन जनवरी यहाँ पे थर्टीन जनवरी का आ गया उसके बाद ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी जनवरी का आ गया उसके बाद ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी जनवरी मतलब लास्ट थर्सडे का जो आपका जैन का एक्सपायरी है वो होने वाला है तो ध्यान रख लेना कोई पूछेगा एक्सपायरी कब होता है ऑप्शन का तो वो होता है हर थर्सडे को सर मान लो थर्सडे को हॉलीडे हुआ तो वो होगा वेडनेसडे को सर मान लो थर्सडे और वेडनेसडे हॉलीडे हुआ तो वो होगा ट्यूजडे को सिंपल है ये थर्सडे से आगे नहीं जाएगा एक्सपायरी ये जो है पीछे ही रहने वाला है सिंपल टर्म है समझ गए अब यहां पे एक चीज देख लो आपका एक्सपायरी का मतलब क्या होता है एक्सपायरी का मतलब होता है मान लो थर्टींथ का एक्सपायरी है मतलब थर्टींथ का मतलब क्या हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट उस दिन जो है क्लोज हो जाएगा मतलब या तो वो आपका पैसा बनाएगा ऑप्शन की खासकर बात कर रहा हूं ये इंडेक्स की जो आपका इंडेक्स है निफ्टी बैंक निफ्टी उसमें आपका वीकली ट्रांजेक्शन होता है वीकली आप ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन आपका जो एस है उसमें ओनली आपका मंथली होगा मतलब जो सेटलमेंट होगा वो मंथली मंथली होगा आप वीकली नहीं कर सकते एस वाले में देखो कॉन्ट्रैक्ट वीकली नहीं मिलेगा आपको ओनली मंथली मिलेगा फिलहाल अभी लेकिन आप इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में आप वीकली कर सकते हो क्योंकि ये क्या सेटलमेंट है वहां पर आपको डिलीवरी लेनी नहीं है सिंपल टर्म में समझो मतलब थर्टींथ का इसका लास्ट डेट है थर्टींथ के बाद ये वाला जो है कॉल या पुट आपका ये ट्रेड नहीं होगा या तो पैसे बनाएगा या पैसे जीरो हो जाएंगे सिंपल कॉन्सेप्ट इतना समझ लो कोई कोई बोलते हैं सर जी मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख रहा हूँ लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता ऑप्शन में जो इसका डेट है यहां पे देखो निफ्टी थर्टींथ लिखा हुआ है जैन लिखा हुआ है मतलब थर्टींथ इसका एक्सपायरी है इस डेट को कॉन्ट्रैक्ट या तो आपका पैसा बनाएगा इन द मनी में है तो वो भी कॉन्सेप्ट अलग है वीडियो ले आऊंगा अगर वो आउट द मनी में है तो पैसा जीरो हो जाएगा सिंपल टर्म में समझो या तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को थर्टीन को पैसा मिलेगा या जीरो हो जाएगा ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए यहाँ पे देखो दोस्तों यह बोल रहा है ऑप्शन कॉल और पुट है मैं बाइंग एंड सेलिंग की बात नहीं कर रहा उसको मैं अलग वीडियो ले आऊंगा समझ जाओगे पहले मैं बेसिक बता दू आपको तो यहां पे आपका पहला कॉन्सेप्ट जो है इंक्रीज इन वोलेटिलिटी इसका मतलब क्या हुआ अगर मान लो ऑप्शन प्राइस आपका वॉलेटाइल हुआ वॉलेटाइल का मतलब सर मार्केट ऊपर जा रहा तो वॉलेटाइल होगा क्या मार्केट नीचे आ रहा तो वॉलेटाइल होगा क्या नहीं वॉलेटाइल का मतलब होता है आपको नहीं पता मार्केट कहां जाने वाला है वो किस कंडीशन में होगा मान लो बजट आने वाला हो बजट में आपको पता नहीं बजट क्या होने वाला है आपको ना ऊपर का पता है ना नीचे का पता है मान लो आर का मीटिंग होने वाला है वो कुछ क्या बोलने वाला है उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है वो आपको नहीं पता या मान लो कोई इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है जिससे मार्केट इंपेक्ट हो सकता है तो ऐसे वॉलेटिटी को ये मेजर करता है इम्प्लाइड वि अलग है आईवी जो है अलग है मेन वो अलग कॉन्सेप्ट है उसका मैं अलग ले आऊंगा अगर मान लो आईवी इंक्रीज हो रहा है तो मान लो कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो है डाउन ट्रेंड में सिंपल टर्म में ये समझो आईवी का कॉन्सेप्ट अलग है मैं आईवी अलग इंप्लाइड वर्लिटी क्या होता है वो मैं अलग ले आऊंगा समझ गए वर्लडिटी का मतलब ये समझ लो अगर ये इंक्रीज होगा तो आपको पता नहीं है कि यहां पे आपका क्या चेंजेस होने वाला है ऊपर और नीचे तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा सिंपल टर्म में समझो तो जब भी देखना इलेक्शन का रिजल्ट होगा या फिर आरबीआई का मीटिंग होगा या फिर मान लो कोई बजट होगा तो यहां पे आपको जो प्रीमियम है वो आपको बहुत हाई मिलने वाला है क्यों सिंपल टर्म में बता रहा हूं यहां पे आप बाई कर रहे हो बाय कर रहे हो तो किससे बाई करोगे सिंपल टर्म में यहाँ पे मैं वो नहीं दिखा रहा आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ दिखा रहा हूँ सिंपल टर्म में ऑफर और बिड अगर आप बाई करोगे किससे बाई करोगे सेलर से बाय करोगे तो सेलर से बाई कर रहे हो इसका सिंपल टर्म है कि आपने बाय किया और सेलर सेल कर रहा है अगर आपको 1000 का 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो रहा है तो सेलर को 99,000 नाइन का लॉस हो रहा है सिंपल टर्म में ये समझो समझ गए क्योंकि यहां पे कोई किसी को पैसा देता नहीं है सेलर का प्रॉफिट आपका लॉस आपका प्रॉफिट सेलर सेलर का लॉस सिंपल टर्म में ये समझो तो यहाँ पे पहले सेल कर रहा है अगर आपका वन थाउजेंड वन लैक हो गया तो सेलर का वन थाउजेंड जो है वो नाइनटी नाइन थाउजेंड उसका लॉस हुआ है वो को पे करना पड़ेगा इसलिए आपको ऑप्शन सेल करने वक्त फ्यूचर का मार्जिन मांगता है लॉस अनलिमिटेड इसका भी अलग कॉन्सेप्ट है मैं वीडियो ले आऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो यहाँ पे वोलेटिडिटी का मतलब यह समझ लो तो कुछ भी अनप्रेसिडेंटेड आपका कुछ होने वाला है जिस पे मार्केट कहां रिएक्ट करे पता नहीं तो उस कंडीशन में आपको जो है प्रीमियम आपको हाई पे करना पड़ेगा कॉल का भी और पुट का भी ये चीज समझ गए तो सिंपल टर्म है इसीलिए यहां पे यह दिखाया गया है कि अगर मान लो वॉलेटिटी ऊपर है मतलब अपसाइड में है तो कॉल पुट का दोनों का प्रीमियम हाई रहेगा अगर मान लो डिक्रीज है कि अभी मान लो मार्केट चल रहा है सिंपल नॉर्मल मार्केट चल रहा है कोई इवेंट नहीं आने वाला है ट्वेंटी एट फेब को शायद यूपी का इलेक्शन आएगा वहाँ पे देख लेना ऑप्शन कॉल आउटपुट का प्रीमियम हाई रहने वाला है क्योंकि यूपी के इलेक्शन पे बहुत सारा मार्केट डिपेंड करता है कि मतलब यहाँ से बीजेपी का अगले साल दो साल के बाद का रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है मतलब स्थिति कहां होने वाली है मेन इलेक्शन में तो यहाँ पर देखना वहाँ पर कॉल आउटपुट का दोनों का ऑप्शन जो है हाई रहने वाला है चीज समझ गए तो सिंपल टर्म में समझ गए आप कि मतलब ये इंक्रीज होगा मतलब कोई इवेंट होने वाला हो आरबीआई बजट कुछ भी होने वाला हो तो आप एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू पे करते हो उसका पहले कॉन्सेप्ट में ले आऊंगा पहले ये चीज समझ लो डिक्रीज भी समझ गए ये देखो इंक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन मतलब बोल रहा है यहां पे मैं सिंपल टर्म में आपको सिखा दू सिंपल टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ऑप्शन का मतलब क्या होता है पहले यह समझ लेते हैं इतना मैं बता दिया वो मैं भूल गया था ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेलर से ये बाय करने का ये क्या मतलब निफ्टी बाय करने का निफ्टी क्या मतलब निफ्टी है? जो भी underlying asset है उसको जनवरी का, का अगर मान लो आप एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट करते हो कब होगा एसबीआई जब भी एक्सपायर होता है लास्ट थर्सडे होगा ट्वेंटी सेवन जनवरी का होगा सिंपल टर्म ये समझो तो आप एसबीआई का कॉल बाय करोगे मान लो फोर हंड्रेड नाइन्टी वन में चल रहा है फाइव हंड्रेड कॉल बाय करोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेलर से भाई साहब मैं जो है ट्वेंटी को जो है एसबीआई होल्डिंग्स में रखना, मेरा ब्रोकर आपके ले ले लेगा, 500 पे, और पैसे आपको पे कर देगा मान लो उस समय एस बी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है आपने जो 500 हंड्रेड कॉन्ट्रैक्ट किया है मार्केट में चल रहा है 480 या फाइव हंड्रेड पे क्यों बाई करोगे 480 एट्टी बाई कर लो आपने जो दो रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किए उसको लॉस होने दो समझ गए इसका भी अलग कॉन्सेप्ट ले आऊंगा अगर मान लो जनवरी ट्वेंटी तो सेलर बॉन्ड है आपको 500 पे देने के लिए सिंपल टर्म में समझो ऑप्शन का मतलब यह होता है कि आप जो है जो भी आपका अंडर एसेट है एसबीआई विप्रो है तो, तो, उसको आप एक्सपायरी के दिन बाय करने कॉन्ट्रैक्ट करते हो सर मैं एक्सपायरी के दिन बाय नहीं कर सकता क्या कर सकते हो लेकिन मान लो अभी चल रहा है एस बी आपको फाइव हंड्रेड पे बाय करना है अब वो एक्सपायरी के दिन चला गया सिक्स हंड्रेड तो आपको हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो वो रिस्क आप क्यों लोग वो रिस्क आप ऑप्शन बाय कर लो कॉल ऑप्शन और ट्रांसफर कर दो तो सेलर को नीचे गया तो अच्छी बात है आपको तो डिलीवरी लेनी है आप नीचे पैसे बाय कर लेना जो आपने प्रीमियम पे किया उसको लॉस होने दो तो, मान लो वो एक्सपायरी को सिक्स हंड्रेड चला गया कोई दिक्कत नहीं आपने फाइव हंड्रेड पर कॉन्ट्रेक्ट किया हुआ है सेलर आपको फाइव हंड्रेड देगा सर हंड्रेड कौन लॉस चाहेगा हंड्रेड जो है सेलर लॉस रहेगा आपको नहीं लेना समझ गए तो ऑप्शन इसलिए बनाया गया है लेकिन मेनली लोग ट्रेडिंग करते हैं समझ गए तो दोनों में जो है बहुत रिस्क है ऑप्शन हाई सम हाई रिस्क गेम है ध्यान रखना पैसे मैं बोलूंगा नहीं आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट एंड लॉस दिखता रहेगा ध्यान रख लेना ये जो है इसको बनाया किसी और के लिए गया है आप सब यूज किसी और के लिए करते हो दोनों जो है सुसाइडल है अगर आप दूसरे टाइप के काम के लिए इसको यूज करते हो तो मैंने बता दिया है हाई रिस्क हाई सम गेन है कोई बोलता है सिर्फ कंफर्म प्रॉफिट है डेली है करोड़पति वाला स्कीम है समझ जाओगे आप पैसे उतने ही लगाना जितना आप रिस्क ले सकते हो मैंने बता दिया ऑप्शन क्या होता है अब मैं बताता हूँ आपको सिंपल इंक्रीज इन टाइम टू एक्सपाइरेशन यहाँ पे बोला एक्सपायरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिंपल समझो यहाँ पे मैं दिखा दूँ इंक्रीज इन टाइम टू एक्सपाइरेशन कॉल का प्रीमियम भी हाई रहेगा पुट का प्रीमियम भी हाई रहेगा अब मतलब प्लस में समझो हाई रहेगा दिखता था यहाँ पे देख लो निफ्टी फिफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है

इसका कहने का मतलब यही है इंक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन जितना लंबा आपका टाइम एक्सपायरी करने में होगा मतलब चांसेस उतने ज्यादा है कि मार्केट उतना ऊपर जा सकता है चांसेस उतने ज्यादा है कि मार्केट उतना नीचे आ सकता है तो सेलर को जो है रिस्क प्रीमियम चाहिए तो रिस्क प्रीमियम ही आपका टाइम वैल्यू होता है सिंपल टर्म में ये समझो सेलर जो है आपको इस प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार है सिंपल टर्म में समझो तो जितना आपका ज्यादा एक्सपायरी का टाइम बचा रहेगा उतना आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा सिंपल 13 जनवरी का कॉल देख लो 147 का है लेकिन ट्वेंटी जनवरी का कॉल जो है 218 का है लेकिन वही आपका फिर से 27 जनवरी का कॉल जो है वो आपका 281 का है सिंपल टर्म में समझ गए तो ये आपका जो है यही बताया गया है सिंपल कॉल में भी यही होने वाला है पुट में भी होने वाला है का मैं दिखा दूं आपको पुट का भी ये देख लो 13 जनवरी का पुट 126 28 जनवरी का पुट जो है 187 और यहां पे 27 जनवरी का पुट जो है 229 सिंपल कॉन्सेप्ट समझ गए ये भी ये भी क्लियर हो गया आपका कि जितना आपका एक्सपायरी में टाइम होगा उतना आपका प्रीमियम हाई होगा क्यों होता है क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ऊपर ही जा सकता है मार्केट नीचे भी आ सकता है सिंपल है मैंने एट द मनी कॉल लिया एट द मनी इन द मनी आउट द मनी बता दूंगा मैं निफ्टी चल रहा है सेवनटीन थाउजेंड एट ट्वेल्व का मैंने सेवनटी थाउजेंड हंड्रेड कॉल पुट लिया है सिंपल है एट द मनी लिया है एट द मनी इन द मनी आउट द मनी बनाऊंगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा अलग कॉन्सेप्ट है अलग ले आऊंगा यह चीज समझ समझिए आप दूसरा है डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन सिंपल टर्म में समझो जितना छोटा टाइम पीरियड होगा उतना प्रीमियम कम होगा दोनों का यहाँ पे बोला गया है कॉल का भी और पुट का भी कम होगा मैंने बता दिया है यहाँ पे देखो थर्टीन एक हफ्ते का टाइम पीरियड है 147 का है दूसरे हफ्ते का टाइम पीरियड है वन टू का है तीसरे हफ्ते का टाइम पीरियड है टू का है तो मतलब जितना छोटा टाइम पीरियड होगा एक्सपायरी आपका जो है उतना कम होगा उतना प्रीमियम आपका कम होगा एक्सपायरी तक का सर ये बताओ एक सवाल और आता है ऑप्शन प्रीमियम हाई है तो अच्छा है या लो है तो अच्छा है मैं फिर से बोलता हूँ अगर आपको ऑप्शन लेना है तो आप कोशिश करना ऑप्शन मंथली लेना क्योंकि मान लो अगर वीकली लेते हो प्राइस कम देख के तो यहाँ पे ये टाइम वैल्यू पे कर रहे हो क्योंकि मैं एट द मनी भी लिया आऊँ तब भी ये पूरा टाइम वैल्यू है सारा टाइम वैल्यू है पूरा टाइम वैल्यू कोई इंटरेंसिविक वैल्यू नहीं है इंटरसिविक वैल्यू क्या होता है उसका भी अलग वीडियो ले आऊंगा मैं समझ गए तो यहां पे जो है आपका एक्सपोनेंशियल डी के होगा टाइम डीके होगा अगर मान लो आपके डायरेक्शन में कॉल जाता नहीं है तो, तो समझ लो आप हीट एंड ट्रायल मेथड खेल रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको समझ नहीं है तो कुछ भी और आप लेते हो छोड़ते हो तो कुछ भी समझ नहीं है रिटर्न ट्रायल मेथड खेल रहे हो बिल्कुल समझ लो लग गया तो लग गया नहीं लगा तो पूरे पैसे जीरो वो चीज़ ध्यान रखना ये अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा तो लंबा वीडियो बनेगा 20 40 वीडियो बनेगा आपको समझाने के लिए कैसा होता है, नहीं होता है बस इतना चीज़ समझ लो आप जितना छोटा टाइम पीरियड होगा उतना प्रीमियम कम होगा इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा है ये इसमें एक्सपोनेंशियल टाइम डी होगा ये भी चीज़ समझ गए अब मैं आता हूँ तीसरा वाला इंक्रीज इन अंडरलाइन इसका मतलब समझा दू इंक्रीज इन अंडरलाइन का मतलब कॉल में अगर ऊपर जाएगा तो आपको कॉल में बेनिफिट होने वाला है पुट में लॉस होने वाला है अगर डिक्रीज करेगा तो आपका कॉल में लॉस होने वाला है पुट में इंक्रीज होने वाला है मैं सिंपल समझा दूं आपको यहां पे मैंने ओपन कर लिया यहां पे देखो अंडरलाइन का मतलब क्या बोला है ये अंडरलाइन का मतलब होता है सिंपल टर्म में समझो निफ्टी ले रहे हो तो निफ्टी अंडरलाइंग है इंडेक्स अंडरलाइंग है अगर आप एसबीआई ले रहे हो तो एसबीआई अंडर है अगर आप इन्फोसिस ले रहे हो तो इन्फोसिस आपका अंडर है लेकिन मैं यहाँ पे निफ्टी ले रहा हूं तो निफ्टी मेरा अंडर है सिंपल टर्म में समझो ये बोला गया है कि मान लो मैंने कितने का स्ट्राइक प्राइस लिया तो मैंने 17, पे मैंने किया हुआ है निफ्टी का बाय और सेल करने का तो यहाँ पे समझो अगर निफ्टी सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड है अगर ये नाइन हंड्रेड क्या होगा जो भी कॉल ऑप्शन है चाहे निफ्टी थर्टीन का हो निफ्टी ट्वेंटी एट का हो और निफ्टी जैन ट्वेंटी सेवन का हो कॉल ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होगा तो वही ये बोला गया है कि जैसे जैसे आप, आपका अंडरलाइन ऊपर जाएगा आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस जो है ऊपर जाएगा लेकिन पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे आएगा सिंपल टर्म है अगर मान लो निफ्टी ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है कॉल ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे आएगा समझ गए कौन से चाहे वो आपका थर्टीन जनवरी का हो ट्वेंटी जनवरी का हो या फिर आपका ट्वेंटी जनवरी का हो सिंपल टर्म अब मैं दूसरा आ रहा हूं दूसरा यहां पे देख लो डिक्रीज इन द अंडरलाइन अगर आपका निफ्टी नीचे आएगा जो भी अंडरलाइंग है आपका तो कॉल ऑप्शन डिक्रीज होगा पुट ऑप्शन इंक्रीज होगा मैं फिर से एग्जांपल दे दूं आपको अगर मान लो चलो निफ्टी अभी चल रहा है 17,800, कल मान लो निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आ गया तो आपका कॉल का ऑप्शन जो है जो प्राइस है वो नीचे आएगा पुट का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा चाहे वो थर्टींथ का हो चाहे ट्वेंटी का हो ट्वेंटी जनवरी का अब डिपेंड करता टाइम वैल्यू क्या है वो है वो अलग कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे करके मैं लेता हूंगा. तो ये चीज आप समझ गए अंडरलाइन क्या होता है अंडरलाइन मतलब जिसका आप ऑप्शन लेते हो उसका कौन सा मेन है तो निफ्टी ले रहे हो तो निफ्टी का इंडेक्स सिंपल समझ लेना अंडरलाइन मतलब वो बैंक निफ्टी ले रहे हो तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स एसबीआई का ऑप्शन ले रहे हो तो एसबीआई का जो मेन स्टॉक प्राइस है वो सिंपल समझे समझ गए ये बता दिया मैंने डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन बता दिया मैंने आपका इंक्रीज वॉल्टिटी बता दिया मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है और बाय और सेल में क्या होता है कॉल बाय करोगे कॉल सेल करोगे पुट बाय करोगे पुट सेल करोगे क्या आपका चेंजेस होगा उसका मैं अलग वीडियो ले आऊंगा यहाँ बनाऊंगा बहुत लंबा बन जाएगा वैसे भी बहुत लंबा बन गया होगा तो सिंपल टर्म में समझो ये मैंने बता रखा है एक्सपायरेशन बता रखा है आपको ऑप्शन प्रीमियम हाई गुड और बाय बता रखा है तो ये मत सोचना कि ऑप्शन का प्रीमियम कम है तो अच्छा है वहाँ पर रिस्क आपका ज्यादा है ऑप्शन में ही रिस्क ज्यादा है मैंने बता दिया ऑप्शन किस लिए बनाया गया है और ऑप्शन किस लिए यूज करते हो और पूरे पैसे हैं आपको अगर डिलीवरी ले सकते हो तब तो, तो, तो अच्छा है ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सिर्फ थोड़े पैसे हैं और पैसे बहुत करने हैं तब रिस्की है हिट एंड ट्रेड मेथड है देख के खेलना पोर्टफोलियो अपना देखते रहना और मान के चलना कुछ भी हो सकता है आपका प्रॉफिट सेलर का लॉस है सेलर का प्रॉफिट आपका लॉस है सिंपल टर्म में समझो ब्रोकर सिर्फ ब्रोकरेज लेता है एक्सचेंज सिर्फ टैक्स लेता है बाकी काम मैंने बता दिया है सिंपल में टर्म में बताया है समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा कृपया लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां पर जाकर ओपन कर सकते हो कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को में लाइव आता हूं वहां पर पूछ लेना सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जहां भी आपको लर्डिंग दिखे ज्वाइन करो तो दोस्तों धन्यवाद